गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी ड्रिंक जो कि आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, साथ में आपके स्किन को ब्राइट बनाएगा एंड आपकी ऑल ओवर हेल्थ को बहुत ही अच्छा बनाने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो हाय, माय नेम इज़ मोनी एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना एंड साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आगे की वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम पे मिल जाए। चलिए हम भी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज़ ये है वो प्रोडक्ट जो कि है वाइल्ड आमला जूस कपीवा ब्रांड से एंड ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। ये आपके नेचुरल तरीके से आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके ऑल ओवर हेल्थ को काफ़ी अच्छा बनाता है, साथ में आपके स्किन को भी ये ब्राइटनिंग प्रोवाइड करता है, आपके हेयर को भी अच्छा बनाता है। आपका हेयर अगर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, आपका हेयर में शाइनी नहीं है तो आप आंवला का जूस पी सकते हो। ये आपके स्किन एंड हेयर एंड आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें ना ही शुगर ऐड किया गया है, ना ही कोई फ्लेवर ऐड किया गया है एंड ना ही कोई कलर ऐड किया गया है। ये आपको नो कलर है इसमें एंड नो शुगर है एंड इसमें आपको कोई भी फ्लेवर नहीं मिलेगा, इसमें आंवला का ही फ्लेवर आता है। एंड सी आप लोग देख सकते हो ये मेरा आधा बॉटल ख़त्म हो गया है एंड मैं इसको 1 मंथ से डेली इसको कंज्यूम कर रही हूँ तो मुझे इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला। ये मेरे इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प किया एंड पहले से काफ़ी ज़्यादा मेरे स्किन पे भी इसको पीने से काफ़ी एक नेचुरल सा ग्लो दिख रहा है तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये ड्रिंक। एंड ये वाइल्ड आंवला जूस आपको कोल्ड प्रेस में मिल रहा है तो ये कोल्ड प्रेस जूस बहुत ही अच्छा होता है, ये हमारे हायर न्यूट्रिशन है इसमें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल कंटेंट्स विटामिन सी, कैल्शियम हेल्प्स बूस्ट इम्यूनिटी, तो ये आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। साथ में इसमें विटामिन सी है तो विटामिन सी ऑरेंज से 20% ज़्यादा आंवला में विटामिन सी होता है तो ये स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा, इम्यूनिटी को सबसे ज़्यादा ये बूस्ट बनाता है जिससे हमारे डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो हमारे स्किन भी क्लियर लगती है एंड स्किन पे भी इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो आपको इसको कंज्यूम कैसे करना है ये भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को, यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आपको इसको पीने के लिए बॉटल को सेट करना है पहले और फिर आप 20 to 30 ml आंवला का जूस, 25 ml का ये कैप है तो आप इसमें ले सकते हो 25 ml जूस। तो आप 1 ग्लास ठंडे पानी में इसको डाइल्यूट कर लो 25 ml आंवला जूस। एंड फिर आप अगर आपको ये थोड़ी सी खट्टा लगेगा पीने में क्योंकि ये आंवला का जूस है, वाइल्ड आंवला जूस है तो थोड़ी सी आपको टेस्ट खट्टा मिलता है, बिल्कुल आंवला के जैसा इसका टेस्ट आता है, इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं ऐड किया गया इसीलिए। तो आपको अगर खट्टा पसंद नहीं है तो आप इसमें हनी ऐड करके पी सकते हो या नहीं तो साल्ट या फिर आपको अगर चीनी लेना है तो वो भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा हनी ज़्यादा बेटर रहेगा तो आप हनी इसमें ऐड करके कंज्यूम कर सकते हो। एक दिन में इसको 2 टाइम पी सकते हो, सुबह एंड नाइट में पी सकते हो बट खाना खाने से 30 मिनट पहले आपको इसको पीना होगा एंड फिर आप कुछ खा पी सकते हो। आप दिन में कभी भी इसको ले सकते हो, बस लेने के 30 मिनट के बाद आप कुछ खाओ। एंड इसकी क्वांटिटी है 100 ml एंड इसकी प्राइस है 200। तो मैं इसको फ्लिपकार्ट से ली, आप कपीवा वेबसाइट से भी आप इसको खरीद सकते हो। आपको ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ से नहीं लेना तो आप कपीवा वेबसाइट भी से भी ले सकते हो तो वहाँ पे आपको कुछ परसेंट ऑफ में आपको मिल सकता है। मुझे इसकी बहुत ही अच्छी बेनिफिट मिली, ये आप देख सकते हो आधा ख़त्म हो गया है तो मुझे इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला। जब से मैं इसको पीना स्टार्ट की हूँ मुझे इसका स्किन पे काफ़ी एक नेचुरल ग्लो देखने को मिला एंड मेरा हेयर फॉल भी इससे कंट्रोल में लग रहा है एंड मेरी इम्यूनिटी को ये भी बूस्ट किया, काफ़ी अच्छा मुझे इसका बेनिफिट मिला, अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो होप यू गाइज आप लोगों को मेरी ये रिव्यू पसंद आई हो एंड आपको ये कपीवा वाइल्ड आंवला जूस अगर आपको पीना है तो आप ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा आपके स्किन के लिए है एंड आपके हेल्थ के लिए भी है। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज, बाय।